अन्योन्घासयो आर्मी, कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस वीडियो के पार्ट वन में हमने आपके साथ BTS की स्ट्रेंथ और वीकनेस शेयर करी थी। हालांकि दोस्तों ये वो स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं जो BTS के मेंबर को लगता है कि जब कभी भी वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ये उन्हें अपनी जॉब में बतानी चाहिए। और दोस्तों उनका मानना था कि इन स्ट्रेंथ और वीकनेस को रिवील करना बहुत ज़रूरी है और इसी के बेसिस पर उन्हें जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों अब इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बाकी मेंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों BTS काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और ये बात खुद BTS जानते हैं। और दोस्तों इसीलिए हमारे क्यूट मोची यानी जिमिन को काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि जब भी उन्हें जॉब मिलेगी वो सारा काम बहुत ही अच्छे से और टाइम पर कंप्लीट कर लेंगे और उन्हें लगता है कि यही उनकी स्ट्रेंथ है। हालांकि उनकी वीकनेस उनके हिसाब से बहुत ही खास है। दोस्तों जिमिन ने बताया कि उनकी वीकनेस है कि शायद वो काम के बीच में कहीं भाग जाएंगे। दोस्तों है ना ये बहुत ही प्यारी वीकनेस। और दोस्तों सबसे खास तो जिमिन ने बोला कि उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि उनके पास एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है और ये स्ट्रेंथ है हमारे मिन योंगी यानी सुगा को हैंडल करने की। और उनको लगता है कि ये स्ट्रेंथ तो आर्मी के पास भी नहीं है और इसीलिए जिमिन को परफेक्टली जॉब मिल ही जाएगी। दोस्तों बात करें हमारी आर्मी की सनशाइन की यानी जे होप की, तो उनका कहना है कि उनके पास काफ़ी सारे स्किल्स हैं लेकिन उनकी एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है कि वो बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। हालांकि दोस्तों स्किल्स की बात करें तो जे होप का कहना है कि उन्हें म्यूजिक प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर यानी क्यूबासे की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और ये उनका बहुत ही अच्छा स्किल है जिसके साथ साथ उन्हें ड्राइविंग भी आती है और उनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है, तो ये सारे स्किल्स उनकी जॉब के लिए परफेक्ट रहेंगे। दोस्तों अब आते हैं हमारे गोल्डन मार्क ने यानी जंगकुक। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जंगकुक हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है लेकिन जंगकुक का ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों जंगकुक का कहना है कि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं और उन्हें लगता है कि यही बात उनकी वीकनेस है और साथ ही साथ यही बात उनकी स्ट्रेंथ भी है। दोस्तों इसके साथ साथ जंगकुक का कहना है कि वो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत ही अच्छे से स्किल्ड हैं और ये उनका टैलेंट है कि वो काफ़ी अच्छी एडिटेड वीडियोस को बना सकते हैं और इसी बेसिस पे उन्हें काफ़ी अच्छी जॉब भी मिल सकती है। पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों बात करें हमारे लास्ट मेंबर की यानी वी की, तो उन्होंने कुछ खास रिवील नहीं करा है। दोस्तों वी का कहना है कि उन्हें सिर्फ आर्ट ऑफ मेडिटेशन आती है। हालांकि उनका कहना है कि ये उनकी बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है क्योंकि इसमें वो बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं। और दोस्तों उनके हिसाब से उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ यही आता है यानी वी को सिर्फ मेडिटेशन करना आता है और यही उनकी स्ट्रेंथ और स्किल्स भी माना जा सकता है। दोस्तों इसके सिवा वी का कहना है कि उनकी थोड़ी वीकनेस भी है और वो वीकनेस ये है कि वो कभी भी जोन आउट हो जाते हैं यानी कभी भी अचानक से खो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये एक ऐसी वीकनेस है जो उनको हमेशा हर इंसान के सामने मेंशन करनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे जबकि वी ऐसा जानबूझ के नहीं करते, ये अपने आप ही हो जाता है, वो कुछ भी सुनते सुनते अचानक से अपने ख्यालों में खो जाते हैं। दोस्तों BTS के सभी मेंबर्स को लगता है कि उन्हें ये सारी स्ट्रेंथ और वीकनेस अपनी जॉब प्रोफाइल में ज़रूर मेंशन करनी चाहिए और ये सारी चीज़ें उन्हें एक बेहतर जॉब दिलाने में मदद करेगी। हालांकि दोस्तों टेंशन मत लीजिए क्योंकि BTS जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं और ना ही वो डिस्बैंड अभी हो रहे हैं, ये तो उन्होंने सिर्फ आर्मी मेंबरशिप किट के लिए प्रिपेरेशन करी थी। तो आर्मी अगर आपको लगता है कि BTS के मेंबर्स के इस स्किल की वजह से उनको अच्छी जॉब्स मिलेंगी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते इसे शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।